नमस्कार, झारखंडी न्यूज में स्वागत है। आइए आज झारखंड राज्य के पूरे 10 प्रमुख खबर पर नजर डालते हैं। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस महामारी को रोकथाम के लिए चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में चिकित्सकों ने लॉकडाउन की समय अवधि को बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में झारखंड को और केंद्र से सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 75,000 किट की मांग किए जाने पर सिर्फ 5,000 किट उपलब्ध कराया गया। JPSC ने 300 मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। इस महामारी में लड़ने के लिए मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए 9 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पारा शिक्षकों के लिए अनाज की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध आया है। खबरों के मुताबिक पिछले 11 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनवार के प्रखंड सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण अपूर्ण रहने के कारण 11 माह से वेतन का भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने राहत कोष से अनाज की व्यवस्था कराने की अनुरोध किया। पलामू जिला के मेदिनीनगर में इस महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसमें मरीज को कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में लाया जाए और क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में जानकारी दिया गया। राशन कार्डधारियों को मिलेगा सैनिटाइजर। खबरों के मुताबिक पीला और गुलाबी राशन कार्डधारियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि लगभग 4 लाख राशन कार्डधारियों को सैनिटाइजर दिया जाएगा। झारखंड में जमकर हुआ बारिश और गिरे ओले। खबरों के अनुसार रांची जिला सहित कई क्षेत्रों में वर्षा के साथ साथ बर्फ भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 अप्रैल को भी झारखंड के कई जिलों में वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वर्षा के साथ साथ ओले भी और बिजली भी गिर सकती है। धनबाद में महसूस हुआ भूकंप। धनबाद जिला में भूकंप का झटका महसूस किया गया। तीव्रता कम होने के कारण बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले ही किए महसूस। खबरों के अनुसार बुधवार को सुबह 11:24 में झटका महसूस किया गया। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार बताया जा रहा है। वहीं भूकंप का तीव्रता 4.1 मैग्नीट्यूड था। राज्यों में दीदी किचन का किया गया आयोजन। खबरों के मुताबिक राज्य में 5 अप्रैल से दीदी किचन का आयोजन किया गया है। झारखंड के सभी पंचायत के मुखिया को 10,000 रुपये दिया गया है, जिससे असहाय और भूखे लोगों को खाना मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर अब तक 2 बार वार्ता किए हैं। झारखंड में दूध बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी मुसीबत। झारखंड दूध व्यापारियों के अनुसार इस महामारी का प्रकोप के कारण से डेयरी द्वारा दूध उठाव में 50% कम कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक झारखंड में कोई मिल्क पाउडर प्लांट नहीं होने के कारण से दूध को पाउडर में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके साथ समस्या आ चुकी है। आज का सवाल, लॉकडाउन बढ़ाए जाने की स्थिति में आप सरकार को किस प्रकार से मदद करेंगे? लॉकडाउन बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। कल हम आपकी नाम को सम्मिलित करेंगे। तो आज के लिए बस यही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।